माफिया सरगना, माफिया डॉन्स या शूटर्स, ये लोग हर उस देश को सुरक्षित समझते हैं जहां पे उनकी पहचान उजागर ना हो। सबसे ज्यादा सुरक्षित वो उस देश को समझते हैं जहां पर फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर कभी किसी मौके पर ऐसा बन जाता है कोई सिलसिला कि वो गिरफ्तार हो गए और उन्हें प्रत्यर्पित किया भारत, तो जब प्रत्यर्पण की कार्रवाई होती है तो वहां के कानूनों के हिसाब से ये तय किया जाता है कि इस व्यक्ति को जब प्रत्यर्पित किया जा रहा है भारत, तो यहां पर उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो ऐसे देश में भी रहना ये लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये है कि जिन देशों में उनके लिए सपोर्ट सिस्टम पैदा करना आसान होता है, जैसे वियतनाम है या कंबोडिया है या मलेशिया है या बैंकॉक है या दुबई है या पाकिस्तान है, ऐसे देशों को भी वो लोग तरजीह ज्यादा देते हैं क्योंकि वहां से उनका कामकाज बड़ी आसानी से चलता है। साउथ अफ्रीका के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर वे लोग पेनिट्रेट करते हैं, रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो गिरोह हैं उन लोगों की गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पे चलती हैं, तो इनका काम भी उनके साथ साथ आसानी से चलता है। ऐसे देशों में जहां उनका काम आसानी से चले, ऐसे देशों में जहां प्रत्यर्पण के कारण उन्हें फांसी की सजा ना हो, और ऐसे देशों में जहां वो अपना छुपने के लिए या अपना जो ओरा है उसको दबा करके और एक छुपे हुए रूप में वहां पर आसानी से रह सकें, इस तरह के देशों को ही आमतौर पर वो अपने लिए सबसे सुरक्षित अड्डे या पनाहगाह समझते हैं।